हाँ शुरू बालू कांग है पेड़, ओप टाइप पेड़ आ गया, कहने का जी मतलब वह पेड़ सही कोनी है, खराब पेड़ है। खराब शुरुआत में एक तो जमीन जितनी समतलीकरण कर सको भी तो जरूरी है, जी और बिंग बाद में आप गड्ढा खोद लियो 3x3 का जी या 1 मीटर मान लियो, जी गड्ढा खोद गया हम गोबर की खाद है सिंगल सुपर फास्फेट है घेर गए जी बीएससी पाउडर घेर गए, गड्ढा दोबारा भर दियो मी टाइम इम नर और मादा हुआ। जी नर पेड़ को सिट्टू काट गया अपन रखना पड़ेगा कोई बर्तन में सुखाना पड़ेगा, जी बिंग बाद में भी मुँह अपना पाउडर निकाल गया वो मादा पेड़ गया सिट्टा पर लगाना वो पड़ेगा। अपने बगीचे में बैठे हूँ, कोई ऑफ सूट ले आगे लगा दो। अरे ठाके पड़े वो के निकल किया डी ने बिंग अब का डी ने चेंज हो जाएगा वो तो बिंग जी ई पौधे के है ऑफ ना सूट नहीं, निकलोगे ऑफ सूट में तो 100% श्योरिटी है भी वो ही निकलेगा ऑफ बात सूट। सुनो अब जो सरकार देवे नहीं अब वो लारे हंगामो हो बहुत मोटो तो अब आने पूरी डीएनए रिपोर्ट करा के ही देवे बे अधिकारी बे भी डरे कभी कहीं मरने जाओ भाई। यो मैं मनोज चौधरी और आज मेरे साथ ही भाई साहब को परिचय लेगा देवीदासपुरा सूरतगढ़ गंगानगर जिले के अंदर अब खजूर को जो फार्म है, हालांकि एक वीडियो अपने पहली को भी डाले है खजूर को दिसंबर के लास्ट में सी डाले हो, लेकिन अब दोबारा आप एक फार्म पर विजिट करिए तो सब पहले तो भाई साहब को परिचय करवावा, तो भाई साहब सब पहले तो हमारे किसान भाई तार परिचय करवाओ बीके बाद में आप आगे चर्चा शुरू करा। राम राम किसान साथियों, मेरा नाम शीशपाल, गांव देवीदासपुरा श्री गंगानगर डिस्ट्रिक्ट में। तो जी आप एक खजूर की फार्म की बात करा तो यो तारो कद को लगाएडो है 2014 दो अप्रैल हजार 2014 में लगाए, अप्रैल 2014 में लगाए हो, हाँ जी। तो आज की वैरायटी है या कौन सी वैरायटी है? आप बरई किस्म है, बरई किस्म, तो इनमें कौन सी वैरायटी हो रहा है? बरई, खुनेजी, खलास और मेडजुल चार प्रकार की देव है चार वो। प्रकार की देव है। हाँ तो जी आप ये बरे आज की किस्म है की बात करें तो कुछ को स्वाद है खाने को भूख शोक है? बड़ी किस्म कच्चा फ्रूट में खाने के लिए सारा बढ़िया चीज है, कच्चे फ्रूट में खाना हूँ सारा सारा बढ़िया। बढ़िया चीज बड़ी किस्म है। एक जी खनुजी आवे बा खुनेजी भी बराबर मांस का पा, कोई समस्या को नहीं, बिकरी कच्चो खाने के लिए खुनेजी और बड़ी को दोनों मांस का पा। बिकोरी का कलर में कोई फर्क? खुनेजी लाल रंग हुआ बिल्कुल लाल रंग बड़ी प्योर पीला, हाँ बड़ी पीला बिकरी कलर की पीला। तो जो यो तर पौधो है या किस्म कौन सी है? एक तो जो ना आप बोला ऑफ शूट है, एक जगह ना आप बोला है कौन सी बोला आप टिश्यू कल्चर, टिश्यू कल्चर, एक या बीजू लगाई है वो आपनो टिश्यू कल्चर पौधो है, टिश्यू कल्चर पौधो है। हाँ जी। ऑफ शूट और टिश्यू कल्चर में क्या फर्क है? ऑफ शूट ई पेड़ को निकलेगो अच्छा वो टिश्यू कल्चर के बराबर को ही बैगो, जगह पेड़ जी को आप ऑफ शूट निकालांगा जी वो सेम चीज बैगी, सेम चीज सेम होगी। चीज बैगी। तो जी हाँ, कई किसान लगाने का इच्छुक भी हैं, कई लगा भी रखे हैं, बहुत से किसानों के दिक्कत भी आई है कि जगह वह पौधा लिए हैं वह पौधा के अंदर काफ़ी समस्या है, तो आपने ये कि कोई समस्या आई? नहीं बिल्कुल को नहीं, बिल्कुल को नहीं आई। तो तार पड़ोस में जी हाँ एक दो किसानों की इशू हाँ आई मालो कांग है पेड़, ओप टाइप पेड़ आ गया, कहने का जी मतलब वह पेड़ सही को नहीं है, खराब पेड़ है। खराब पेड़ आ गया तो इनकी जी हाँ कोई किसान लगाओ तो भी की पहचान कैसी करी जा सके? पहचान तो देखो साधारण तौर पर अपनी भाषा में बताऊँ तो पहचान 3 साल बाद फ्रूट लगे वो भी टाइम उसी भी कोई पहले कोई पहचान पहचान कौन लगा होवे सके। को नहीं। हाँ तो जी हाँ सरकार एक ऊपर अनुदान दे तो वो कितोक दे? सरकारी पर अनुदान 75% देवा, जो रेट वे भी वो 75% अनुदान है हाल फिलहाल। हाल फिलहाल 75% अनुदान है। हाँ जी इको लगाने को जो सही टाइम है वो कौन सा टाइम है? मार्च अप्रैल सारा बढ़िया टाइम है, मार्च अप्रैल सारा बढ़िया अक्टूबर टाइम है नवंबर में भी लगे लेकिन मार्च अप्रैल हमारे इलाके में बढ़िया चीज़ बढ़िया टाइम। तारे इलाका में मार्च अप्रैल से बढ़िया माना हाँ जाए। तो जहाँ की कोई किसान तैयारी करना चाहो लगाने के लिए तो भी के लिए के तैयारी करनी पड़े अपन शुरुआत में? शुरुआत में एक तो जमीन जितनी समतलीकरण कर सको भी तो जरूरी है, जी और बिंग बाद में आप गड्ढा खोद लियो 3x3 का जी या 1 मीटर मान लियो, जी गड्ढा खोद गया हम गोबर की खाद है सिंगल सुपर फास्फेट है घेर गए जी बीएससी पाउडर घेर गए, बिंग गड्ढा दोबारा भर दियो जी और बिंग ऊपर ड्रिप लगा गए अपने लगाना पहले पेड़ लगाना पहले 15-20 दिन पानी चला दियो, जी पानी चलाओ ताकि वाजगिया पूरी तरह सेट हो जाए, मतलब बिंग वो बाद जिम आप खाते ऐसे एसपी बढ़ा डालिए वह गल जाएगी हाँ पूरी वह गड़ जाए पूरी, और जी बिंग बाद में आप प्लांटेशन कर सका बीजिए। जी तो जी हाँ आपनों जो फिलहाल उत्पादन है वो कितो का रहे है? फिलहाल उत्पादन एक पेड़ पर 2-2.5 क्विंटल एवरेज वजन है। 2-2.5 क्विंटल हाँ जी एवरेज वजन है। तो 2-2.5 क्विंटल एवरेज वजन है, बाजार में अपना बिके तो वो के रेट में बिके? मान के चलो 6-7 हज़ार रुपया क्विंटल बिक जाए, 6-7 हज़ार रुपया क्विंटल बिक बिक जाए है, मतलब एक अमूमन एक पेड़ को औसत अपन निकाला तो कितना रुपया का लगभग? एक पेड़ औसत मान के चलो 15 हज़ार करीब,
15,000 रुपया का करीब। और अपने बगीचे में फिलहाल कितना पौधा है? 300 पेड़ है अपने। 300 पेड़ है, मतलब इनकम जोरदार हुआ है। जोरदार बढ़िया इनकम है जी। अगर मार्केट आपने के नच्छा है तो आप कोई भी रेट ले इसका। कोई भी रेट ले इसका मार्केट, और आपकी मेहनत पर है वो रेट लेनो बेचनो कमाई है आपकी मेहनत पर जी। बिल्कुल। तो जी हाँ, मार्केटिंग करने के लिए जाओ या फिर अठावी लोग बाग लेके जाओ? अठे भी लोग आवे, मार्केटिंग करने भी जावा, आप भी खुद आपको बॉक्स बना के बेचा जी। तो एक जो पोलन की प्रक्रिया है बा कैसी हुआ? पोलन की प्रक्रिया में स्टार्टिंग में आपने जिकी टाइम है सिट्टा निकलना शुरू हुआ जी, मी टाइम इम नर और मादा हुआ जी। नर पेड़ को सिट्टो काट गया अपन रखना पड़ेगा कोई बर्तन में सुखाना पड़ेगा जी। बिंग बाद में भी आप पाउडर निकाल गया वो मादा पेड़ गया सिट्टा पर लगाना पड़ेगा, और लगावांगा लगाने का भी एक टाइम हुआ है। जिकी टाइम सिट्टो खुल लेगो भी टाइम है अपन लगाना है, वो भी मतलब 10-15-20 घंटा में लगा दियो सिट्टो खुल, 24 घंटा तक लगा दियो तो कोई विशेष बात को नहीं, आराम हो वो कैच कर जी। तो पोलन जो करा वो कितना दिन के अंदर करना हुआ है जी? मतलब सिट्टो निकले हो तो वो जी, आज सिट्टो निकले तो भी को पोलन कर दो है? नहीं, सिट्टो निकला तो है, निकल जाएगा टोटल सिट्टा, ये मान के चलो एक पेड़ चाहे 15 चाहे 20 है निकल जाएगा, लेकिन बाबू एक या दो खुल लेगा वो सिट्टो भी खुल लेगो, खुलने के बाद में 24 घंटा में अपन पाउडर लगाना। जी मान लियो कि वो पेड़ अपनो एक अंदर सिट्टा निकले, 15 सिट्टा निकले, 15 सिट्टा को टाइमिंग अलग अलग होगो? हाँ, वो टाइमिंग अगर अलग अलग होगा तो मैं अलग अलग ही होगा, बिल्कुल अलग अलग होगा, फिर वह फल लागेगा जगह लेट भी पकेगा जल्दी। हाँ, तो वो 15 दिनांक टाइम में तो पक्का है, और 15 दिनांक टाइम में भी आप पोलिनेशन में 15 दिन में पक जाए और 15 दिन में आप पोलिनेशन। हाँ, पोलिनेशन में वो आगे भी चल जाए ताकि अपन काम करने में आसानी रहे जी। तो जी हाँ, ऑफ शूट पौधों बगीचे के अंदर ही तैयार हुआ अपना? हाँ जी। तो वो भी निकालो कहीं से निकालो कहीं से केवी की प्रक्रिया है? ऑफ शूट पौधों स्टार्टिंग में आप छोटो पेड़ रखना तो कम कम 2 या 2.5 साल तो अपन पेड़ के ऊपर रखना पड़ेगा जी। आकार साइज निकालने की कंडीशन पर आज है बी टाइम में अपन लोहे की सबल द्वारा थोड़ा मार के निकालना पड़े साइड जी। निकाल गया फिर भी ना अपन दूसरी जगह लगा दिया नर्सरी टाइप में जी। और बिंग बाद में भाई कितना अपना सक्सेस होगा वो साल या 6 महीना के अंदर अपन ध्यान लाग जाएगा भी अपनी हाँ परसेंटेज सक्सेस की। हालांकि 50-60-70% लाग जाए ज्यादा लागे को नहीं, क्यों निकालती टाइम भी बिम कोई थोड़ा बहुत नुकसान हो जाए या सही निकला को नहीं तो वो पे खत्म हो गया। लेकिन हाँ बताओ, लेकिन बिंग आप दूसरी जगह लगाने के बाद में देखिए अपनी सक्सेस रेट है बिना फिर कोई समस्या को नहीं भाई 100% तैयार हो जाएगा जी। मतलब कोई किसान ऑफ शूट पौधों लगा दियो 100 पौधा लगा दिया और बाकी अंदरों 50 पौधा खराब होगा तो बिके लिए किसान ने क्या करना चाहिए? एक्स्ट्रा पौधा लेना चाहिए या फिर दोबारा आने वाले सीजन के अंदर दोबारा बिन लगाना चाहिए? मेरे मानने में तो है नहीं कि पहले आप नर्सरी लगाओ जी। नर्सरी में जितना अपना ओके हो गया साल या 1.5 साल में जितना पेड़ तैयार हो गया वहाँ पेड़ा नहीं आपने जमीन में लगाओ। तो अपने इतने ऑफ शूट पौधा अपना तैयार करा हाँ, कोई किसान अगर लेना चाहे तो बिकी सब्सिडी की क्या व्यवस्था है? अगर वो सब्सिडी नहीं लेगी डायरेक्ट में लेना चाहो तो बिकी के रेट अपने कहने ऑफ शूट पेड़ है मिल भी जाएगा। सब्सिडी के लिए अपने उद्यान विभाग में संपर्क करना पड़ेगा जी। मैं जी साहब की राय देगा भी प्रकार की अपन फाइल लगाने के बाद में सब्सिडी मिल जाए ऑफ शूट जी। हाँ, कोई समस्या को नहीं जी। तो वो जो बगीचो अपनों के अंदर लगभग कितना पेड़ है? अपने कहने 360 पेड़ है टोटल। 312 तो टिश्यू कल्चर गए, बाकी अपना बिजू पेड़ लगाया जिसका मैं लगाया अभी टाइम 2% नर पेड़ देता। अच्छा, अभी तो 5-8% तक कर दिया, ज्यादा देने लग गया जी। मैं टाइम 2% देता तो जरूरी है नर पेड़ के लिए जी। नर पेड़ तो मतलब जी 5-7 में तो भी कोई दिक्कत को नहीं आवा? 5-7% चाहिए। 5-7% चाहिए। हाँ, यहाँ अपनो पौधा कोई किसान लेके आवा है और बी के अंदर जो 100 पौधा लेके 100 में 50 पौधा नर आगा 50 मादा आगा ले जावांगा अपा या तो कोई बिजू में ही आ चीज हुआ 50% बिजू ले जावांगा तो भी मैं 50-50% निकलना तय। बिल्कुल। और बाम अपन 5-7% की जरूरत है जी नर पेड़ की, तो बाकी का तो अपन उखाड़ के फेंकना पड़ेगा कोई काम की चीज को जी। तो वो जो अब फल अपना एकदम बिल्कुल पक्की तैयार हो रही है, एक लिए अपन लेबर की व्यवस्था करनी पड़े, लेबर को कतो के खर्चो बैठे जी। कोई किसान या मन में करे कि मैं लगाऊं 2-3 साल बाद में भी जरूरत भी पड़ेगी लेबर। हाँ जी, हाँ जी। तो लेबर को कितनी कॉस्टिंग आवा है अपने तुड़ाई की सारी? मान के चलो एक आदमी एक पेड़ ने तैयार कर दिए काट के 2 या 2.5 क्विंटल वजन है जो एक, कोई एक आदमी पैकिंग कर दिया कटिंग कर एक दिन में कटिंग कर एक दिन में कटिंग करके एक आदमी तैयार कर दिया पैकिंग कर दी। हाँ जी। तो जी राम राम। तो तब जी अपनों के नाम बियाराम जी। तो थे भी बगीचों लगाने की प्रक्रिया शुरू कर रखी है,
तो तारो की विचार है खजूर के लिए? बढ़िया ही है, तीसरा विकल्प है खेती को। तीसरा विकल्प है खेती को, मतलब अब जल्दी थे प्रक्रिया शुरू कर दोगा? हाँ जी, करीब तैयार है, जमीन ड्रिप वगैरह सब है, घंटा लेना है बस। अच्छा अच्छा, तो जी मान लो थे लियाओगा पौधा, कल ने समस्या आ गई कि जी आप 100 पौधा लिया, अब हम 50 नर आ गया, 50 मादा आ गई, तो वो तो जितनी कंपनी देगी उतने आएगा, वो तो जितनी कंपनी देगी उतने आएगा। मान लो, चलो अपना मान लो कि एक सपोज आएगा, तो आएगा नहीं, वो तो बहुत सा किसान अगर साथ हो जाए चिटिंग बाजी, वो तो नकली आ जाएगा, नकली आ जाएगा, फिर नदी या मादा नहीं, वो तो नकली आ जाएगा उस। अच्छा बाबा, गाजर वाली एक बताओ, आपा बताओ। गाजर वाली तो है नकली आज है, तो माने पटनो ही पड़े है, गाजर वाली पुंगी है, बाजे तो बाजार ने तोड़ खावे। ये की परभाषा नहीं, आ बात को भी कुछ वैरायटी ऐसी है जो कि आपने एरिया के लिए सूटेबल को नहीं, नहीं नहीं आप परिभाषा को नहीं, निकली निकली की परिभाषा है कि इनमें भी निकल सके, अबरे सूटेबल है, लेकिन अबरे में भी ऑफ टाइप निकल सके। एक पेड़ खड़े हो आपने, मैं थाने दिखा दूंगा। हाँ, हम ही है, हम यहाँ से 1-2% मर्सी, हम 1-2% मर्सी, 2-3% जितने उसी नहीं तो सीधा रह जाएगा। चल आ बात कह दो भी नकली किसी की परिभाषा, मैं बात कह दो भी कुछ पौधा ऐसा है जगह गए 20-50 किलो भी माल लगे, कई यहाँ का क्विंटल भी लगे, तो भी रेसो पर डिपेंड करे भी वो कितना परसेंट रेसो पर माल आ जाए। नहीं नकली, अब जो आंगल आंगल लड़ एक 2-3 शिफ्ट में आया, जो ऐसे एक शिफ्ट में लिया बहुत ही बढ़िया बूंट आया, ठीक है, जो आंगे दोनों आंगे 300-312 बूंट लिया, इस तो कोई आया ही कौन किंगे, ठीक है, तो या तो शिफ्ट ही एक किया आ गया किस्मतों को, और भी बाद में जो ले आगे श्राद रंगे आगे आई ला आ भेजेंगे बदरी बेना आगे भाजी रंग आगे ले आगे बहुत ही बहुत आदमी है जो गोदारो है, गोदारो इन सागे कोई नहीं, गोदारो यहाँ सागे है वो के नाम रुझान है जो खजूर की खेती। अब एक देखा नहीं 15-20 तो अब मेरे पिताजी 5 बजे छोटा छोटा का 5 अंग लग गया, मतलब साल या देख रहा कि सक्सेस हो तो लगाना है, किसी किस्म कामयाब है, जिद्दा ना लिया होता मेड जोल वगैरह लिया होता तो भाई गंडा ही ढोना। मेडजोल आपने सक्सेस को नहीं, को नहीं भाई, नहीं मेडजोल भाजी सक्सेस माल तो आपकी कैसी है, प्रोसेसिंग यूनिट लागड़ी नहीं बुंग तो भाजी बहुत ओकी कोनी बिंगा प्रोसेसिंग यूनिट में जिया के हुआ है? मतलब एक तो बिंग रख रखा, दूसरा बिंग पका नलो बिंग तैयार करनो, किसी स्टेज पर वो टूटे को और किसी स्टेज पर अपन तैयार करन में वे चीज हम ड्राई फ्रूट किया बनानो मतलब है जिया यो है। हां यो खजूर अपन देखियो है। हां यो जिया मैं पिछले साल ये दिसंबर में ध्रुव राजी गोदारा विजय जी गोदारा का है, तुम बड़े देखियो एकदम ब्लैक कलर को और गुद्देदार हो रहे हो, गुठली की जकी बा है एकदम छोटी, तो बाकी की प्रक्रिया वो कैसे तैयार हुए वो अब इन है जो इस स्टेज पर अपन छोड़नो ही पड़ेगो, लास्ट में जाकर वो ऑटोमेटिक में स्टेज पर आवे, पौधे पर या बयान नहीं पौधे पर पौधे को पूरी छोड़ दो पड़ा हुआ बिम, थोड़ा बहुत नुकसान भी हो, नुकसान थोड़ा बहुत के बिम अपन सही तरीको को नहीं, सही तरीको को बाकी नुकसान की को। अब बिज्जू है नहीं, बिज्जू बिज्जू के मां सारा अब झाड़ बोलती सर समझ हो गए थे ना, बहुत समझ जा झाड़ के खेतम खेतम झाड़ क्या हुआ यानी बोलती, बिल्कुल बिल्कुल, बंग अपन 100 झाड़ की है 100 बात गई बोरिया उसी भी ने। हां तो बिज्जू के मां किया कि इस ऐसे बूंटा है जगह 1000 रुपया किलो लगाई हुआ है, हां जिसका किया कि ऊपर ही ड्राई फ्रूट बन जाए, ऊपर ही ड्राई फ्रूट बढ़ेगा, ऊपर ड्राई फ्रूट आंग है 1-2 बूंटा होना है, 1-2 बूंटा बनता है एकदम ऊपर सड़ पड़ जाएगा, एक बूंट एक दाणो खराब को होएगो तो 2000 रुपया की लेगा भाव को, तो बे को अपन बगीचे में बैठे कोई ऑफ शूट ले आके लगा दो, अरे ठा के पड़े वो के निकल सके ये डीएनए है बिंगो, अब का डीएनए चेंज हो जाएगो वो तो, जी ये पौधे को ऑफ शूट निकलो, नहीं ऑफ शूट में तो 100% श्योरिटी है भी वो ही निकलेगा ऑफ शूट, ऑफ शूट में तो भाई भाई बंग है का कोई लगाऊं तो ला कोई एक आदो बूंटा हुआ बीच सारा तो नहीं है, अभी एक का दो तो भी वहां के तैयार तो कर सके, लंबी प्रक्रिया है, लंबी प्रक्रिया, लंबी प्रक्रिया, तो अभी ओ जियां की तुड़ाई कद सीख शुरू हो जाएगी, अब बस 5-7 दिन बाद, हफ्ते बाद 5-7 दिन बाद में तुड़ाई चालू हो जाएगी, के शुरुआती बिक्री के चालू होगी, की बिक्री मान के चलो भाई 60-70 रुपए के बीच की उम्मीद है,
कौन से एरिया में आपको खजूर? पंजाब हरियाणा, पंजाब हरियाणा, दिल्ली, दिल्ली, हिमाचल और जम्मू कश्मीर। अठे आपने जो आस पास के गाँव का ही लोग बाग मैं तो उठे खरीद लेता हूँ, लोकल ले जाए आप अठा के ले जाओ तो जी। अब भी अब शुरू हो जाए वो अपन तो बेली को कितो निकल जाए वो लोकल में? आप लोकल में 5-7-10 क्विंटल निकल जाए, कई बार कोई पिकअप लेगा आगे कोई 20 क्विंटल लेगा ले जाए जी, पूरा गुच्छा बढ़ा के ले गयो आपने 20 क्विंटल वो अगर 5 दिन बेचो गुच्छा कहीं कुछ बिकते पूरी लड़ी रहेगी तो और बढ़िया बात। सिंगल दाना करे धीरे धीरे कम हो, सिंगल दाना में कम टाइम रहेगा, लड़ी में ज्यादा टाइम रहेगा, गुच्छो भी ज्यादा टाइम। मतलब अगर कोई तैयार करना चाहो मेरे जी को मैं तोड़ की फ्रीज में रख दो वो धीरे नहीं गुच्छो रख दो गुच्छो रख दो तो गुच्छा कस और मिलते मतलब बुजुर्ग भी डंडी के अंदर वो कस हो वो धीरे 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 बोले तो खजूर के बारे में और कोई अपनी बात हो तो बताओ। अपन तो क्या मित्र नया नया गेहूँ होती तो बहुत पुराना हो सही आ जाए तो पोबारा 25 है सही नहीं आवाज किसान की बहुत हो जाए जी हाँ। सरकार हूँ अपना के उम्मीद कर सका जो कोई खजूर की खेती किसान करना चाहूँ तो सरकार ने के करना चाहिए? मेरी बात सुनो, अब जो सरकार देवे नहीं अब हंगामो हो बहुत मोटो तो अब आने पूरी डीएनए रिपोर्ट करा के ही देवे अभी अधिकारी बे भी डर है कभी कहीं मरने जा जी हाँ। थे अब 9-10 बीघा के अंदर लगा रहे हो तो तारा टोटल खर्चों की तो बैठ जाएगा भाई लाख रुपया लाख रुपए बिगो को बैठ जाओ सरकार सब्सिडी दी तो सब्सिडी में सरकार ने और के संशोधन करना चाहिए किसान के लिए। मैं देखो जो बिना 30 साल से का लेके लेवे 4000 रुपया सरकार को अधिकृत है भाई कीमत है 4600 रुपए 4600 रुपए 4600 रुपए कीमत है 1425 रुपया भरा हुआ है भरा हुआ है बाकी वो खर्चो ड्रिप पे जमीन सुधारनी है और 500 रुपया पूरी पड़ जाए बूटा का और तो जी किसान हित की बात करें तो सरकार ने सब्सिडी थोड़ी और बढ़ानी चाहिए। नहीं देखो बात सरकार को काम है सब्सिडी को तो बात तो ठीक है बढ़ानी चाहिए पहला 90% ही बूटा लग रहा था 90% ही 2200 रुपया कीमत थी 300 रुपया बूटो धनिया लग गयो अब 2014 के अंदर ये लगाया ही 2014 में 350-350 रुपए मान लो 300 गाड़ी बाड़ो समेत सारो खर्चो 350 रुपए गाड़ी बाड़ो भी कोनी घर छोड़ गया गवर्नमेंट ही बाड़ो दियो। आज अगर ये दोबारा भी प्रोसेस अगर लगानो चाहूं ताकत तो बहुत काफी महंगो पड़ जाए तारा पर लाख रुपया बीघा के अंदर पड़ेगो तो तारा लगभग 9-10 लाख रुपया को खर्चो हो जाएगा। 9-10 लाख रुपया खर्चो ओ हो जाएगो अब 4-5 साल की जमीन नहीं तो बेलिया उत्पादन ले ले 50,000 रुपया भी 2 साल को बिल्कुल तो भाई तो लॉस में ही आवे को बिल्कुल आओ 4 साल 5 साल मान लो 2.5 लाख रुपया भी वो तो है लाख रुपया या तो 1 लाख है भाई 2.5 लाख तो आई तो बात करें आप की सरकार ने यह सोचनी चाहिए कि एक किसान 5 साल तक आपके खेत ने छोड़ की खजूर के ऊपर निर्भर हो तो भी क्लियाफंस किसान ने थोड़ी सब्सिडी में और रिलीफ देनी चाहिए और सारा ही ताकि और किसान भी लगावें धीरे 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 पानी की कमी है बा पानी की कमी तो हो रही है जहाँ अपना ई एरियम भी आज घूमे हो तो काफी पानी की कमी दिखी माने वातावरण भी सही रहेगा पेड़ पौधा लगे तो वातावरण भी सही रहेगा क्लाइमेट सही रहेगा किसान ने आमदनी मिलेगी बिल्कुल और क्लाइमेट बढ़िया किसान ने भी आमदनी मिलेगी अड़ोस पड़ोस का गांव का जो भी रोजगार नवयुवक बन भी काम मिलेगा काम मिलेगा साल में एक बार के जो तो चलते ही रहो जी यो घास खड़े यो भी अपन निकालनो एक लिए भी अपन ले जरूरत पड़ेगी और भी बहुत सा काम हुए तो जो तारो खजूर को बगीचो है यो बहुत बढ़िया लगे माने और तारा जगह खजूर ही वास्तव में बहुत मीठा ही तो वे वीडियो टाइम दियो वीडियो बनाने के लिए भी के लिए तारो बहुत बहुत धन्यवाद है।